MBBS, इसका फुल फॉर्म जानते हो? बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी मत बोलना। अगर आपको सच में पता है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है जो आपके सीनियर्स या आपके टीचर्स आपको पूछेंगे जब आप एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करोगे। वेल, MBBS के 5.5 साल होते हैं, इसमें से सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है फॉर माई फाइनल ईयर ऑफ MBBS एंड बहुत ही जल्दी मेरा एग्जाम्स आने वाला है। इस बिजी शेड्यूल में मेरा डे कैसे जाता है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी टुडे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तनिष खड़ंगा, द मेडिकल ब्लॉगर, एंड इफ यू डोंट नो मी एट, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट स्टडिंग एट PRMMCH बारीपदा उड़ीसा। बाई जनवरी वी विल बी हैविंग अ फाइनल एग्जाम्स, सो मेरे वीडियोज की फ्रिक्वेंसी थोड़े से कम है, बट I hope it doesn't matter. Well, our day typically starts even before waking up for the new day. That is setting up our alarm. हम 4 से 5 अलार्म लगाते हैं भाई, क्योंकि एक अलार्म में तो नींद टूटने वाली है नहीं, क्योंकि हम सोएंगे 2 से 3 बजे के बाद, और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए सुबह उठना। एंड हमारा फर्स्ट क्लास था सर्जरी फ्रॉम 9 to 10। वेल, सर्जरी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद कुछ कुछ बच्चे डायरेक्टली क्लास से ही बस पकड़ के चले जाते हैं टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, और मैं आता हूँ अपने हॉस्टल। हॉस्पिटल पहुँचते ही लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे OPD के लिए लंबे लाइन लगे रहते हैं और लोग यहाँ पे झगड़ने भी लग जाते हैं। आज हमारा सर्जरी का ही OPD पोस्टिंग है। आज OPD में हमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखे हैं। एक थायराइड का केस देखा है, उसका थायरोमेगाली था एंड शी हैज़ प्रोक्टोस्ड आइज। काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फेसिस था उसका। अगर आप लाइफ में कभी एक थायराइड पेशेंट का फेस देखेंगे ना, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि भाई थायराइड का पेशेंट कैसे दिखता है। देन वी हैव सम फिशर्स, फिस्टुला एंड काफ़ी अदर टाइप ऑफ केसेस हमने देखे हैं। और आज हमने एक लंप भी देखा, दैट वॉज ए लाइपोमा ऑन द बैक, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हमने देखे। OPD में रेगुलरली बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक तो न्यूरो सर्जरी का ब्रेन ट्यूमर का भी केस था, तो शी वॉज रेफर टू SCB एंड दैट्स हाउ आर क्लिनिकल पोस्टिंग्स वेंट। लाइक आफ्टर माई क्लिनिकल पोस्टिंग्स दैट आर ओवर बाई 1, वी कम बैक टू द हॉस्टल एंड have a lunch. I'm pretty tired and now going for the lunch. Lunch karte hain and uske baad milte hain aapse in the next classes. अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टेंशन वाली चीज़ों की बातें करते हैं, जैसे कि MBBS की फाइनल ईयर की टेंशन, पोस्टिंग्स, असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड्स और लॉग बुक्स, और क्या कुछ नहीं है हमारे लाइफ में। अब जो टाइम हमारे पास बचता है, ये टाइम अगर कोई इफेक्टिवली यूज़ करेगा तो वही टाइम डिसाइड करता है कि हम MBBS अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और नीट भी क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। वेल, इस चीज़ में हमें हेल्प करने के लिए हमारा अपना फिजिक्स वाला लेके आया है रैपिड रिवीजन सारे इंटर्न्स और पोस्ट इंटर्न्स के लिए। इन शॉर्ट में बताऊं तो आपकी MBBS की सारी पढ़ाई एक पिक्टोरियल वे में और स्मार्ट बोर्ड के हेल्प से वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करके देते हैं। वेल, इंडिया का फर्स्ट बैच होने वाला है फॉर इंटर्न एंड पोस्ट इंटर्न, और इसमें आपको मिलेगा 250 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स जो पहले 850 आवर्स के थे, और ये पूरा का पूरा 19 सब्जेक्ट्स कवर करेगा ऑफ योर MBBS। इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और 5 मॉक टेस्ट भी रहेंगे फॉर योर NEET PG। सो जो भी इंटर्न या पोस्ट इंटर्न सीनियर्स इसको देख रहे हैं, दिस कुड बी अ लाइफ सेवर फॉर ऑल ऑफ यू, इवन हमारे लिए भी, बिकॉज कुछ टाइम हमारा भी बच जाएगा क्योंकि हमारा फाइनल ईयर का एग्जाम काफ़ी क्लोज आ रहा है। सिलेबस को एक न्यू फॉर्मेट में कवर किया जाएगा और काफी सारे MCQs भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगा। वेल, इसका प्राइस है 5,999, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे TNKG21, आपको इसमें 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइस, ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है और बहुत कम टाइम बाकी है, सो लेट अस यूज दिस टाइम इफेक्टिवली टुगेदर एंड लेट अस स्टडी फॉर्म फिजिक्स वाला। मैं इसका खाना इतना पसंद नहीं है, मगर फिर भी खाना वाना खा के वी रेडी फॉर अ क्लास बाई 2 PM। 2 से लेके 5 बजे तक हमारा 3 घंटे का थ्योरी क्लासेस होता है। पहले ये चेंज होता रहता है, आफ्टर 5 PM फाइनली हमारा क्लासेस ओवर होता है। काफ़ी टायरिंग दिन था आज, और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ ही सकते हो कि कितना टायर्ड हो चुका हूँ मैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग सिलेबस है अभी उस स्टडी, और रफली 100 days आर लेफ्ट फॉर माई फाइनल एग्जाम। कैसे पढ़े, कैसे कवर करे, कैसे पास हो फाइनल ईयर, वेल समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है हमें। ट्राई कर रहे हैं इसको कवर करने का, कैसे ना कैसे करके हम इसको पढ़ेंगे एंड आई थिंक
अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज बता सकता है, दैट इज द ब्रह्मास्त्र। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसा टूल है जो आपको अल्टीमेटली कोई भी एग्जाम से बचा सकता है, और वो अगर आप अच्छे से थोरोली पढ़ के जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाएं अच्छे से इन द फाइनल ईयर एग्जाम्स, या कोई भी आपका मेडिकल बोर्ड एग्जाम्स हो तो। कि बोर्ड एग्जाम्स एमसीक्यू नहीं होता, यू डोंट हैव टू मार्क, यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स एंड लॉन्ग एसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ मेमोरी, काफी ज्यादा मेमोराइजेशन का खेल है यहाँ पे, सो इट्स नॉट दैट इजी। एंड सोने पे सुहागा, हमारा इवनिंग क्लासेस स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 6 PM टू 8 PM इन द इवनिंग, वी विल बी हैविंग आवर ट्यूटोरियल क्लासेस इन द हॉस्पिटल। तो फिर बस पकड़ के जाओ हॉस्पिटल, ओजी का ट्यूटोरियल क्लास करो, एंड आफ्टर दिस लॉन्ग डे आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू स्टडी एनी मोर, और आई विल बी टेकिंग सम रेस्ट क्योंकि मेरा हेडेक भी स्टार्ट हो गया। वेल आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, और मैं अभी एक्चुअली जिंदा हूँ तो अमृत अंजन को लेके, एंड हाफ द टाइम आई एम रबिंग इट ऑन माई हेड एंड ऑन माई फेस, इट्स वेरी हेक्टिक। Well, I hope this too shall pass and will be coming out of the exam with flying colors. Well, that is all for the video today, guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then like, share और subscribe जरूर करना। MBBS is definitely difficult, मगर इसका जो reward मिलता है, जो satisfaction है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। Well, that is the thing. That is all for today. See you. Signing off, Tanmesh. Bye bye.